राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से इंडियन डिफेंस एकेडमी पे। तो कल का वीडियो हमारा स्ट्रेचिंग का था, आज का वीडियो स्पीड रनिंग को लेके है। उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत आपको एक मोटिवेशन अलग तरीके के मिलेंगे इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा, तो आज हम लोग बात करेंगे स्पीड रनिंग के बारे में। टोटल हम 20 एक्सरसाइज आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी रखेंगे हम, इससे ट्रेनिंग भी आपको बताएंगे, आपको हम कोर वर्कआउट भी बताएंगे, उसके बाद आपको हम ड्रिल्स भी कुछ बताएंगे। देखो, अगर रनिंग स्पीड बढ़ानी है तो सिर्फ एक पार्ट पे काम करके आप रनिंग स्पीड कभी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। हमें ओवरऑल बॉडी हेड टू टो काम करना पड़ता है, ठीक है? तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे, बिल्कुल साइंस बेस्ड है। कुछ भी फालतू बकवास मत देखा करो यार, क्योंकि हम भी वो चीज़ें हम नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें हम पहले लेग ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम अपना कार्डियो मतलब कि एक अपना जो हार्ट है उसको ट्रेन करेंगे, क्योंकि उसको भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हम अपने हैंड मूवमेंट्स को भी ट्रेन करेंगे, ताकि जब भी आप स्पीड रनिंग करते हो तो जो आप हाथ चलाते हो उसमें भी स्पीड आए। साथ ही साथ हम अपना कोर एरिया भी मजबूत करेंगे, जिससे कि आपकी पैरों की लैंडिंग अच्छे से हो, क्योंकि कोर इन्वॉल्व होता है जब, तभी जाके आपके पैरों की लैंडिंग सही से होती है, आपके घुटनों में पेन नहीं होता, आपके जो ग्लूट्स हैं वो भी सही से इन्वॉल्व होते हैं आपकी रनिंग में। तो सबसे पहले 5 एक्सरसाइज करेंगे, वो होंगी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उससे पहले आप स्ट्रेचिंग कर चुके हों कल के वीडियो को देख के, नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। तो पहली 5 एक्सरसाइज जो होंगी वो होंगी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जब भी आप दौड़ते हो तो सांस फूलने लग जाती, अगर इन 5 एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करोगे अल्टरनेट, मतलब सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, तो आपका जो ब्रीदिंग इशूज़ है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे, बहुत हद तक, ठीक है? अपनी अगली जो 5 एक्सरसाइज की ड्रिल होने वाली है वो दो डंबल, एक ये रखा है, इसी तरीके से आप अपने ग्राउंड में एक दूरी एक चुन लो जहाँ पर आप ये करोगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि हम यहाँ छत पर कर रहे हैं, लेग स्टेप उतने ज़्यादा मेरे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी छत है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है और बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, मेरा वेट ऑलमोस्ट 90 प्लस है, क्योंकि हम एक बॉडी बिल्डिंग के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग करना यह है कि जब भी आप ग्राउंड में करो, स्टेप जितने ज़्यादा आप खोल सकते हो, ठीक है? हम तो अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, एक डेमो दे रहे हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा स्टेप खोल सकते हो उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलो, ध्यान रखना, हम क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेट ऑलमोस्ट 100 है, तो हम उतने ज़्यादा स्टेप अभी इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पूरा ऊपर स्टेप ले जाना, अपना पैर जो है वो पूरा ऊपर ले जाना है, जितना आप ले जा सकते हो, ताकि आपके लेग स्टेप थोड़ा सा खुलें, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। सेकेंड ड्रिल, इसमें भी आपको जितना हो सके, जब ये आप ले जा रहे हो तो इसको जितना हो सके बाहर की तरफ, इसको जितना हो सके बाहर की तरफ ले जाना है, तभी जाके आपके लेग स्टेप खुलेंगे। चलते हैं तीसरी ड्रिल की तरफ।
इसमें भी ये जो पांचों ड्रिल हम कर रहे हैं, शुरुआत की दो थी स्पीड के लिए, बाकी सब आपकी स्टेप खोलने के लिए, तो तीन ड्रिल हो गई। अब चलते हैं चौथी की तरफ। तो ये थी आपकी फोर्थ ड्रिल, और इसमें भी आपके लेग इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, साथ ही साथ आपका जो वर्टिकल जंप है उसकी भी, आपका जब लेंथ बढ़ती है तो आपकी जो भी आप लंबे मतलब दौड़ते हो उसमें भी आपका जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आखिरी ड्रिल की तरफ अपनी। जो आखिरी ड्रिल थी ये अपनी रनिंग स्पीड के लिए काम नहीं आती, लेकिन आपके लेग स्ट्रॉन्ग करती है, जैसे कहीं ना कहीं आपको रनिंग में जब भी आप स्टेप रखते हो उसमें हेल्प मिलेगी। तो यार जो अगला सेट रहेगा वो रहेगा डंबल के साथ। अब आपके पास डंबल नहीं तो आप जब भी पार्क में करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ईंटों का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं, और मसल बिल्ड होगी। तो जब मसल बिल्ड होती है तो उससे क्या होता है कि हमारी मसल जो है फटीक बहुत देर में होती है, हम थकते बहुत देर में। ठीक है, तो पांच एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, आप ईंटों के द्वारा ही वो एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ईंटों से ही कर सकते हो, और वो हैंड मूवमेंट्स की होंगी जिससे कि आप स्पीड में हाथ चला पाओगे। चलो पांच एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। ये आपको क्यों करनी है, क्योंकि आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, और आप रनिंग जब स्पीड करते हो तो ये हाथों की पोजीशनिंग है जो वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाइसेप इसलिए किए तो कि आप जब भी आप दौड़ते हो तो एक अलग सा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। अब आखिरी की पांच एक्सरसाइज और बचती हैं जो बेसिक हैं, जो आप करते ही हो। इसमें पुलअप शामिल नहीं, क्योंकि हम यहाँ छत पर पुलअप नहीं कर सकते, वो आप ज़रूर करो। उसके अलावा पांच एक्सरसाइज हम जल्दी से बता रहे हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है।
पांचों एक्सरसाइज, मतलब पूरी 20 एक्सरसाइज आप इनको एक एक करके परफॉर्म करना हर एक अपने दिन। और हम चले नीचे क्योंकि पानी तेज हो रहा है, आप लोगों के लिए कैमरा रिस्क में लेके हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक।